क्या आप कभी जानने का प्रयास किया आपने कि हाईवे का जो काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या पहाड़ों पे रोड बनाने का काम होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाता है, और एक इंजीनियर, एक सेफ्टी ऑफिसर मिल करके किस तरह से रोड का निर्माण कर देते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये बात बड़ी ही रोचक नजर आती है कि भाई कैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कैसे किस तरीके से बड़े बड़े चट्टान हैं, पहाड़े हैं, उनको कैसे तोड़ करके और हम क्या करते हैं, रोड का निर्माण कर देते हैं। आवागमन का रास्ता यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो वर्क है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, किस तरीके से बड़े चट्टान को, बड़े से बड़े स्टोन को मतलब सेकंड में तोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को दिखाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को में हम एक विस्फोटक पदार्थ जिसे एक्सप्लोसिव एजेंट कहते हैं वो डाला जाता है। सबसे पहले एक वायर की सहायता से उसे नीचे ले जाते हैं, फिर उसके बाद से उसमें हम कुछ ऐसे एक्सप्लोजन सबस्टांस से जो केमिकल फॉर्म में होते हैं उनको डाला जाता है और ये स्टार्ट हो जाती है प्रक्रिया। इसके बाद एक लेबल लिया जाता है कि उस लेबल में कितना मतलब कितने कितनी गहराई में हमने इसको ड्रिल किया हुआ है, कितनी गहराई में हमने इसकी खुदाई किया हुआ है, उसके बाद से ये हमें अंदाजा लग जाता है कि हमें अब क्या करना होगा। तो ये पता चल जाता है अगर गहराई में क्यों खोदते हैं, अगर ज्यादा अंदर गहराई में खोदते हैं तो इससे ये होता है कि हम उतनी लेयर को हम तोड़ पाएंगे, बहुत इजी वे में हम तोड़ पाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं। वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्सप्लोजन जो एक्सप्लोसिव सबस्टांस है जो भी है, जैसे डायनेमाइट हो गया या फिर जो है टॉलविन नाइट्रेट हो गया, ये तमाम तरह का जो मिक्सर यूज किया जाता है। अक्सर इसे जो है आर्मी के लोग भी यूज करते हैं रोड बनाने के लिए, और हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इसे यूज किया जाता है। हर एक चीज को मेजर किया जाता है, हर एक चीज को देखा जाता है, हर एक चीज को अपने लेवल में एडजस्ट किया जाता है, और जैसे ही आप ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। एक जो है ब्लास्टिंग एक्सपर्ट है, इस समय एक मेजरमेंट ले रहा है, एक मेजरमेंट कर रहा है अपनी डिवाइस से, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो उसमें एक्सप्लोसिव सबस्टेंसेज हैं वो कहाँ तक है, हमें और भी कितना उसमें इंक्लूड करना है। ये सारी चीजें जब वो जान लेता है तब जो है एक बार फिर उस केमिकल को, एक और केमिकल है उसे हम डालते हैं कहां पे, जहां पे गहराई में हमने मिट्टी की खुदाई किया है, और उस मिट्टी के अंदर डालते हैं। वो मिट्टी हो सकता है, चट्टान हो सकता है, पहाड़ों का एरिया हो सकता है, जहां पे आपको तोड़ना है। अगर जरा सोचिए, अगर हम यही मैन पावर लगाएं, अगर यही हम मजदूरों को लगाएं, तो शायद ये काम सालों साल लगातार चलता रहेगा। जैसे पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसमें वायर डालना, डायनेमाइट डालना, एक्सप्लोसिव एजेंट डालना, उसके बाद विस्फोटक पदार्थ, अब क्या करते हैं उसको ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, सारे एक्सपर्ट हट जाते हैं। उसके बाद जब उसे ब्लास्ट किया जाता है उसमें, तो ब्लास्ट करने के बाद जो स्थिति होती है आप देख पा रहे हैं, इतना मोटा चट्टान है और सेकेंड भी नहीं लग रहा है, यह धराशायी हो जा रहा है, कितना बड़ा विस्फोट होता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, रोड के लिए या फिर हाईवे के लिए, या फिर अगर टनल बनाना है, कहीं सुरंग बनाना है, तो उसके लिए भी हम इस यही टेक्निक का यूज करते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होता है साइट पे, ये सारी चीजों को वो देखता है, अपने सुपरविजन में देखता है, और फिर देखते ही देखते रोड बनाने के लिए आपको जगह भी मिल जाता है, एरिया भी मिल जाता है, और फिर काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि रोड बनाने के लिए आपको जो प्लेन चाहिए वो सरफेस प्लेन चाहिए, यानी एक स्थिति में एक लेवल में चाहिए, तभी तो जाकर आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, तभी तो आप जो है रोड कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोसिव एजेंट होते हैं वो हमारा बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही साथ देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी से बड़ी चट्टानों को, मोटी से मोटी चट्टानों को, जिसके बारे में सोचना किया हम रास्ता कैसे बनाएंगे, हम किस तरह से इसे डिस्ट्रॉय करें, किस तरह से इसे हम खत्म करें, इस चट्टान के लेवल को खत्म करें, ये काफी चैलेंजिंग होता है एक एक्सपर्ट के लिए और एक इंजीनियर के लिए। लेकिन जब ये डायनेमिट डायनेमाइट आया, फिर तमाम तरह के एक्सप्लोसिव एजेंट आए,
तो वो एजेंट जो है वो हमारे काम को और भी आसान कर देते हैं। आज पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है, पूरी दुनिया में जो वर्क हो रहा है, आप देख रहे हैं पहाड़ों पे किस तरह से बहुत ही आसानी से जो निर्माण कर दिया जा रहा है, रोड का, हाईवे का, ये सब इसके पहले यही एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो विस्फोट हो रहा है, ये विस्फोट का इसका काम ही है कि बड़ी से बड़ी चट्टान को, बड़ी से बड़ी पहाड़ को वह सेकेंड में तोड़ देता है, और सेकेंड में तोड़ने के बाद से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस चीज को हमको जानना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। और एक सेफ्टी ऑफिसर, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर